हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मूली के पराठे बनाना सिखाऊंगी। मैं सबसे पहले आटा गूंदूंगी। इतना आटा ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालेंगे इसको। इतना अच्छा आप इसको मुक्ति देंगे उतना अच्छा पराठा बनेगा। अब आटा आपका तैयार हो गया है पराठे के लिए। अभी मैं छील लिया, थोड़ा साफ कर दिया इसको। अब मैं इसको करती हूं। मैंने इकट्ठा कर लिया, ये मैंने मूली खरीद दी, ये धनिया साफ करके काट दिया है, मिर्ची काट दी है मैंने धो के। इस मिर्ची और नमक आपको स्वाद अनुसार जितना मिला, आधी चम्मच मिर्ची डालना। मूली को मैंने घिस दिया है और इसको अब अच्छे से निचोड़ना है बिल्कुल। अब इसमें आप डालेंगे नमक आपका स्वाद अनुसार जितना भी आपने डालना है। मिर्ची मैंने आधी चम्मच डाली है। आप इसको बिल्कुल मिक्स कर लें। ये धनिया मैंने डाला था, धनिया डालना है, धनिया साफ करके मैंने काट के रख दिया था। ये हरी मिर्ची है। अब आप इसको सबको मिक्स कर लें। आटा लिया, देखिए धीरे धीरे, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं करना, थोड़ा सा बड़ा करना। इसमें ये थोड़ी सी मूली डाल, मूली डाली मैंने। अब इसके धीरे धीरे ऐसे करके ये ऐसे पूरा इसका बंद कर देना आटे को पूरा। ये देखिए बंद हो गए, ऐसा तैयार हो गया आपका आटा। धीरे धीरे इसको बेलना ताकि इसके बाहर ना निकले मूली बिल्कुल भी। मैंने बेल दिया गैस पर। अब इसको थोड़ा इसको होने दो, गर्म होने दो आटे को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धीरे धीरे आपका पराठा हो गया तैयार मूली का। अब इसको आप दही के साथ आराम से खाइए।